को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी जो है वो हम बंगाल वर्ल्ड कप में आ चुके हैं। तो ये जो है मंदिर है। Pain I felt is paid for, all is said and done. तो स्वागत है गाइस आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल तेज खुशिया ब्लॉग्स में। एंड अभी को जो है हम उड़ीसा के बारीपदा में हैं और आप लोगों ने कल का वीडियो को खूब इन्जॉय किया होगा। और आज है 20 नवंबर, देखिए 6 बज चुके हैं। अभी हम यहां से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद हम सरायकेला में जोकी वे ड्रॉप करके फिर डायरेक्ट हम जाएंगे बोकारो की ओर। टोटल जर्नी 340 किलोमीटर की रहेगी आज की, तो काफ़ी लंबा जर्नी होने वाला है। सो चैनल के साथ में बने रहे, आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या है क्या क्या है। सो अभी जो है हम लोग बावन घाटी में रुक गए हैं देखिए है। एंड काफ़ी अच्छा कह सकते हैं आप लोग, कितना बढ़िया से निकल रहा है और कितना गहरा घाटी है। इसको बावन घाटी भादरी पोसी में है ये, तो यही बोलते हैं काफ़ी बड़ा घाटी है। देख सकते हैं ट्रक कितना धीरे धीरे चल रहा है। यार कोई बात नहीं, मैं तो इसको देख करके रुका। यार क्या गजब लग रहा है, कितना गजब सीन है, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ों में से ही। तो अभी आगे को मंदिर में हल्का सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद तो हम लोग निकल जाएंगे सीधा मतलब घर के लिए। वापस रायरंगपुर में थोड़ा सा ब्रेक ले करके निकलेंगे। तो ये जो है द्वारकानी माता मंदिर है। एंड यहाँ कोई भी गाड़ी बोलता है कि आता है तो वो लोग पक्का रुकने का है ही, रुक करके थोड़ा दर्शन करके फिर ही जाते हैं। काफ़ी चढ़ाव है इस रोड में, आप सीधा देखिए काफ़ी ऊपर है, हमें एकदम ऊपर घाटी में है। यहाँ माँ द्वारकानी का मंदिर, उधर भगवान जगन्नाथ जी का है। और ठंड थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है। चलिए चलते हैं, अभी हम लोग को जाना है अभी इस साइड से रायरंगपुर होते हुए सीधा महलदा होते हुए राजनगर फिर सरगढ़ पहुँच गया। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. हम लोग रायरंगपुर पहुंचने को है, उस दूर में ही रायरंगपुर है। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे हम लोग, फ्रेश हुए पानी वगैरह पीने के लिए। और इस रूट से अभी सीधा हम लोग जाएंगे रायरंगपुर, सामने ही है ये, रायरंगपुर में ही है हम लोग समझ लीजिए। और फिर रायरंगपुर में थोड़ी देर वेट करेंगे, रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर वहां से डायरेक्ट सरायकेला जी। सो अभी जो है हम लोग सरायकेला आ गए हैं, समीर भैया से मिल लिए, अभी ये जा रहे हैं ड्यूटी। कुछ देर में अभी हम थोड़ा सा बाइक को सर्विस करवा करके फिर उसके बाद निकल जाएंगे बोकारो के लिए। और छोटा सा प्रॉब्लम है तो वो करके खाना खा के निकलेंगे आराम से। तो अभी चलते हैं, फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। भैया को, भैया का भी अभी जाना है। तुम भी इतने आराम से जाना, एकदम एकदम ठीक है, रिलैक्स हो करके जाना। और आप लोग देखते रहिए हितेश मिश्रा व्लॉग्स को, एंजॉय कीजिए। और भी धमाकेदार वीडियो आने वाला है, अभी वो सब सरप्राइज है। वो अभी सरप्राइज है, सरप्राइज है, तो उसको अभी सरप्राइज ही अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्या क्या क्या। भैया को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज झारखंडी राइडर का हमारा 3 साल पूरा हुआ, तो ये भी एक सबसे बड़ा था हम लोग का, बहुत ही अलग प्लानिंग था, बट थोड़ा सा बिगड़ा है, बिगड़ गया है। नहीं खैर ठीक है, काम से बिगड़ा है, तो वो काम पहला है, मैनेज हो जाएगा वो। लेकिन आज हम राइड किए भैया, आपके बदले हम कर लिए, वही बहुत बड़ा बात है। सो अभी भैया जा रहे हैं ऑफिस, हम चलते हैं घर। सो अभी जो है हम निकल रहे हैं सरायकेला से। हाय बोलिए। हाय हाय। तो अभी हम निकल रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में। Feel of discontent,
गाइस अभी को जो है हम पटंदा रोड की तरफ में आ चुके हैं। सरायकेला से काफ़ी देर पहले ही निकल गए थे, ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी मेरे को थोड़ा स्पीड भी पकड़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल बज चुका है 2:15, 4 बजे तक का टारगेट था। लेट तो हो चुका है बट आराम से ही जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा पानी पियेंगे और फिर उसके बाद फिर से गाड़ी को थोड़ा भी रेस्ट चाहिए ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट से निकलते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो अभी जो है वो हम बंगाल बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। अभी जहाँ पे खड़े हैं ये बंगाल है। अभी यहाँ से बराबाजार चालू होगा। गर्मी है काफ़ी बट जैकेट एंड ग्लव्स पहन करके चला रहे क्योंकि फर्स्ट स्किन एंड मेरे को जो धूल से मेरे को पसंद नहीं है, वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ से 90 किलोमीटर है बोकारो और, तो करीबन और 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को। रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, स्पीड ब्रेकर ये सब काफ़ी रहता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से ही चलते हैं। चलिए पुरलिया को छोड़ दिए, अभी पुरलिया इसी रोड पे स्ट्रेट आप लोग देख सकते हैं। तो पुरलिया को अभी हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग नहीं, मैं हूँ, मेरी बाइक, बस दो ही जन लोग। तो अभी डायरेक्ट फिर उसके बाद इस रास्ते से बोकारो जाना है। ज़्यादा दूर है नहीं, 40 किलोमीटर बस गिन के, तो कोशिश करते हैं 1 घंटे में पहुँचने के लिए। चलिए तो जो है वो हम कैस रोड क्रॉस कर गए हैं। पीछे एक चेकिंग था, चेकिंग बट मेरी सारी पेपर ओके थी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने निकल के आगे आ गया। रास्ते में मुझे देखने को मिला एक फैट बॉय, हार्ली डेविडसन का फैट बॉय। भाई साहब क्या गाड़ी थी, तो उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। सिंगल फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि उनके जो ऑनर थे वो थोड़े से हड़बड़ी में थे, दैट्स वाई नहीं ले पाया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंप्लीट होने को है। सूरज जी भी बोल रहे हैं कि आज को जल्दी जाने को है, रेडी हो रहे हैं शायद, तो सूरज ढलने से पहले हम तो घर चले। सो शाम का भी 5:30 बज चुका है और हम आ चुके हैं घर को। आज टोटल जर्नी रहा मेरा 340 किलोमीटर्स उड़ीसा टू बोकारो। तो पहले निकले हम बारीपदा से, तो सुबह को निकले 6 बजे, फिर स्टे किए हम डायरेक्ट सरायकेला में ही। बीच बीच में रुक रुक करके आ रहे थे, कभी पानी कभी कुछ भी, फिर नाश्ता किए आपका रायरंगपुर में, सरायकेला में ही फिर हमारा लंच हुआ मेरा, और वहाँ पे ही बाइक का थोड़ा सा सर्विसिंग करवाए, और फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हम निकल करके फिर बोकारो आ गए। थक गए सबसे बड़ा बात ये है अभी, और कंटिन्यूस अभी मेरा 11.5 घंटा का जर्नी रहा। घर को आ गए, भाई साहब काम पे अभी लगे हुए हैं देख सकते हैं, तो इनको अभी काम करते हैं, अभी हम खा करके डाइट सोने को चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बताइए कमेंट में ज़रूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपके हाथ में है, ज़रूर से कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट।